अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स लीडर रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 40, ऑल अबाउट द एटम्स, प्रॉब्लम 43। वो कहता है जी टंगस्टन Z74 है, उससे बम्बार्ड किया गया इलेक्ट्रॉन से एक्स-रे ट्यूब पे। तो KLMN जो एनर्जी बैंड की एनर्जी दे दी गई है वो देगी 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमसे मिनिमम वैल्यू मांग रहा है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की जो प्रोड्यूस कर सके करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के अल्फा के बीटा टंगस्टन में। फिर वो कहता है उसी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी और के अल्फा और के बीटा की वेवलेंथ बताओ कितनी होगी। अब हम जानते हैं कि अगर आपने के शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एक हाई एनर्जी, यानी ताकि ऊपर से एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन नीचे जंप मारे, या वो जितनी ऊपर से जंप मारेगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब एनर्जी गैप मैक्सिमम जो होगा तो वो आपके पास यही है रिस्पेक्टिवली के शेल की जो एनर्जी है 69.5, तो हम कहेंगे उसे नीचे आने के लिए यानी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि अगर आपने के शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो के शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इतनी एनर्जी तो देनी ही देनी है, तो एक्सेलरेटिंग मस्ट भी आप कह सकते हैं 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन किलो वोल्ट का होना चाहिए। अब हमसे उसकी क्या मांग रहे हैं जी, वेवलेंथ मांग रहे हैं। हम जानते हैं इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एच सी का प्रोडक्ट भी जानते हैं, लैम्डा क्रॉस कर लेंगे एच सी बाई डेल्टा ई। अब हमें यहां से ई को ई वी के लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, तो वोल्ट हमें पता है 69.5 किलो वोल्ट है, तो वो हमने किलो वोल्ट की मेंशन कर लिया। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल हो जाएगा, 17.8 - 12 मीटर आ जाएगा। फिर आपसे वो मांग रहा है कि अभी के अल्फा बताओ जी कितनी होगी, तो हम जानते हैं डेल्टा ई बराबर है E के माइनस ई एल 69.5 से 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 58.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ जाएगा। एनर्जी का डिफरेंस पता है, एच सी का प्रोडक्ट पता है, तो 21.3 पिकोमीटर आ जाएगी। इसी तरह के बीटा होती है जब हम शिफ्ट करते हैं एम से के में, तो ई के माइनस ई एम ले लेंगे, दोनों का एनर्जी डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये 67.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 18.5 पिकोमीटर की वेव आ जाएगी के बीटा की। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।